ऐसा दुर्लभ तन पाकर जिसने निजी परलोक नहीं संवार लिया, वो सिर झुनके पछताता है। आंसू के अलावा उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचता। काल, कर्म और ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। मनुष्य दो तीन बहाना करता ही है कि कर्म में नहीं लिखा, कर्म को दोष देना, समय अनुकूल नहीं है, काल को दोष देना, कर्ता धर्ता भगवान है वो कराते ही नहीं, ईश्वर को दोष देना। किंतु प्रभु राम स्वयं कहते हैं, यदि दुर्लभ मानव तन मिला और निजी परलोक नहीं संवार लेता तो काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, वो दोषारोपण व्यर्थ। यही तन कर फल विषेन भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। इस तन का फल विषय नहीं, विषय की पराकाष्ठा कहाँ तक? स्वर्ग तक। कदाचित स्वर्गीय में ऐश्वर्य भी मिल गया, अंत दुखदाई। वो स्वर्ग मिलेगा जरूर, उसकी आयु के दिन जहां पूरे हुए तो स्वर्ग तो खिसक जाएगा। जो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठे थे वो सिंहासन तो गोल हो गया, क्योंकि उसके आयु के दिन पूरे हुए। और आ जाओगे फुटपाथ पर, दुख नहीं होगा क्या? अंत में आपके लिए दुख का ही आरक्षण है और कहीं कुछ नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे नियत विधि से भजकर लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं देता हूं। वो अवश्य इंद्रपुद को भोगता है, किंतु तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वो विशाल स्वर्ग लोक का उपभोग करते हैं, पुण्य क्षीण हो जाने पर वहीं गिर जाते हैं जहां से चलना आरंभ किया था। फिर फुटपाथ पर आ गया, फिर भिखारी का भिखारी, बेशक वो नष्ट हो जाएगा स्वर्ग। नश्वर ही तो था, नश्वर ही तो आपने मांगा था, जब तक उसकी आयु थी तब तक रहा, फिर आम सड़ गया तो कोई क्या करे? इतना ही है अस्तित्व स्वर्ग का, इसके आगे कहीं कुछ नहीं। किंतु वो स्वर्ग अवश्य नष्ट हो जाएगा, किंतु उस भक्त का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि मेरे पथ में बीच का नाश नहीं, आरंभ का नाश नहीं। यदि स्वल्प अभ्यास भी पार लग गया, उस पुरुष का किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि उस थोड़े अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वो अभ्यास ही करता है, कुछ एक जन्म के अंतराल से वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। सदा ही सत्संग का कढ़ा पढ़े से सत्संग का कढ़ा महान होता है, उसका ज्ञान वास्तविक होता है, उसकी जानकारी प्रैक्टिकल होती है। जगतानंद आश्रम में एक इंजीनियरिंग फर्स्ट पोजीशन पास होके लड़का पहुंचा कानपुर का। हमने कहा तुमने इंजीनियरिंग किस में किया? बोले वनस्पति में। बोले वनस्पति का जरा नाम तो लो, तो चावल, मटर, गेहूं, अमरूद, आम, तो हम ले गए बगीचा में। तो मटर का पौधा दिखा के हमने कहा ये क्या है, तो चश्मे से देखा, बोले आम। तो फिर सरसों का पौधा दिखा दिया, ये क्या है, बोले अमरूद। कागजों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल में बड़ा अंतर होता है, पढ़े से कढ़ा महान होता है। सत्संग में जिसने पढ़ लिया उसको लियो, इसके लिए सृष्टि में कहीं किसी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं रहती, सब कुछ जान जाता है। एक मौलवी साहब और नमाज पढ़ के जब उठे तो दाढ़ी पे हाथ फेर के बोले, या खुदा तेरी खुदाई का हाल तो तू ही जानता है। तो पीछे एक किसान हर कंधे पे रख के चला जा रहा था, वो रुक के बोला, क्या कहा मौलवी साहब? मौलवी बोले, तुम अनपढ़ गंवार मूर्ख आदमी क्या समझोगे उन बातों को? बोले, अरे ऐसी बात नहीं मौलवी साहब, खुदाई भर खुदाई का हाल नहीं जानते, हम भी जानते हैं खुदा की खुदाई का हाल। बोले, अच्छा तुम जानते हो खुदाई का हाल? बोले, विश्वास न हो तो शर्त लगा लो। मौलवी साहब ने सोचा सुबह सुबह बढ़िया फंस गया। बोले, ठीक 1,000 रुपये की शर्त। जहाँ पना के सामने हो गई पेशी। बोले, भाई हाँ तुम बताओ खुदा की खुदाई। बोले, हजूर उतना बड़ा करिश्मा देखने के लिए
थोड़ा तो श्रम करना ही पड़ेगा। नावें आ गई, अब चंबल में चली नाव, नर्मदा से घुमा के जब चंबल की राह पकड़ी नाव ने, भयंकर बीहड़, बर्बर डाकुओं का अड्डा। जब उधर नाव चली तो बादशाह ने कहा, अरे कहाँ फंसा दिया, कहीं मरवा तो नहीं देगा? बोले, हजूर थोड़ा सा गम खाए, करीबी है। जब भयंकर बीहड़ में पहुंचा तो 500 फीट ऊंचा टीला, फिर 500 फीट गहरा गड्ढा, हर 200 फीट पर यही दृश्य था वहां पर, फिर गड्ढा फिर टीला फिर गड्ढा फिर टीला। जब देखा तो बोले, हजूर ये है खुदा की खुदाई, ने मौलवी साहब के पापा ने खुदवाया है ना आपके पूर्वजों ने। तो बोले, यार ठीक कहता है, अजीब करिश्मा दिखाया, कोई मनुष्य चाहकर ये खुदाई तो नहीं कर सकता, ये करिश्मा तो खुदा ही का है। देखो ना क्या दृश्य बना दिया। मौलवी साहब हार गए, 1,000 रुपया देना पड़ा। मौलवी साहब सोचे, एक वज्र गंवार से हम हार गए। तो दूसरी बार फिर भाषा बदल के बोले, हे परमात्मा, आत्मा का हाल तो तू ही जानता है। तो उस किसान को सुना के किसान आया, बोले, क्या कहा मौलवी साहब, आत्मा का हाल परमात्मा ही भर नहीं जानते, हम भी जानते हैं और आपके आत्मा में मन में क्या वो भी जानते हैं। तो बोले, शर्त लगा लो। मौलवी साहब ने कहा, 2,000 की, 1,000 पहले वाला मिल जाएगा, 1,000 मुनाफा। जब बादशाह के सामने पेशी हुई, बादशाह ने कहा, यार तुम विचित्र आदमी हो, हाँ बताओ फिर इस वक्त मौलवी साहब के मन में क्या है। जहाँ पना को शहजादा नसीब नहीं था, उसके लिए सारे मियाँ मौलवी और सब मस्जिदों में घोषणा करवा रखी थी, परवरदिगार से इबादत करो तो हमें एक शहजादा नसीब हो। और वो जो मौलवी साहब थे, उसी दरबारी मस्जिद के मौलवी थे, उनको खास कर कह रखा था। किसान को मालूम था, किसान ने कहा, हजूर मौलवी साहब के मन में क्या इस वक्त बल्कि हर समय एक ही भावना रहती है कि जहाँ पना को एक शहजादा नसीब हो, पुत्र रतन की प्राप्ति हो और राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाए, मैं भी मालोमाल हो जाऊं, इस वक्त तो केवल यही एक बात इनके मन में है। बादशाह गदगद हो गया, लड़के का नाम सुना, कहिए मौलवी साहब, कहिए मौलवी साहब, क्या आपके मन में ये बात है? यदि न कहे तो गर्दन कट जाए। क्यों रे गद्दार, इसीलिए हम तनख्वाह देते हैं क्या? बोले, हाँ हजूर यही बात है। फिर पा गया पैसा, पढ़ा से कढ़ा बड़ा होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, और लोकहु वेदने आने उपाऊ। मति सदबुद्धि, मति कीर्ति विजय और विभूति, जब कभी सृष्टि में किसी ने पाया है, सो जानब सत संग प्रभाव, न लोक में और कोई तरीका है, न वेद में और कोई तरीका है। वेद में भी कुछ नहीं है, पहले संत संग तब सत्संग, यही सत्संग की परिभाषा है मानस में, गीता में, सर्वत्र। जब कभी किसी ने पाया तो इन संतों की संगत से पाया है, और कोई उपाय ही नहीं, तो पढ़े से कढ़ा महान होता है। इसलिए नहीं हरि भक्ति, न साधु की सेवा, नहीं सत कर्म कियो, और कहत कबीर सुनो भाई संतों, इतना में चोला छूट गई। करण दानी था भगवान कृष्ण, हर समय प्राय करण का नाम लिया करे। वाह रे करण, तुम्हारे ऐसा दानी तो होना मुश्किल है। करण साधुवाद, तुम्हारे गुरु धन्य, तुम्हारे माता पिता धन्य, तुम धन्य करण, करण साधुवाद। तुम्हारा दान ऐसा दानी तो कदाचित ही संसार में जन्म लेता है। अर्जुन को ये बात अखर रही थी। एक दिन अर्जुन बोला, भगवान युधिष्ठिर किस माने में करण से पीछे है, उनसे कोई मांग ले तो अपना राज दे दे।
वो धर्मात्मा है। माना कि कर्ण में एक गुण है दान, किंतु धूर्तों की संगत करता है, धूर्तों के जैसी चाल चलता है। आखिर जब देखो आप कर्ण की ही तारीफ करते हैं, बात क्या है? भगवान ने कहा, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर हम फिर कभी देंगे। बात आई गई हो गई, भगवान ने वो चर्चा ही बंद कर दी। 4-6 महीने बाद जब वर्षा ऋतु आई, 7 दिन तक झड़ियार लग गया, आसमान से बूंद नहीं टूट रही थी, तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन घर में बैठे बैठे ऊब गए। तुरंत दोनों ने एक संत का बेस बनाया, विप्र का, और सीधे धर्मराज युधिष्ठिर के महल में चले गए। जब दो संतों को देखा, युधिष्ठिर उठ के खड़े हो गए, सादर अभिवादन किया, बोले, भगवान विराजे, कहिए क्या सेवा है? इस वर्षा काल में भी आप लोगों ने आने की कृपा की, मैं धन्य हुआ, कहिए मैं क्या सेवा करूं? बोले, राजन केवल भिक्षा, लेकिन चंदन की सूखी लकड़ी से हम भोजन बनाते हैं स्वयं, तब सेवन करते हैं। हम है सोहम पाकी, स्वयं पकाए खाए वो सोहम पाकी कहलाता है। तुरंत युधिष्ठिर ने सारी व्यवस्था तो कर दी, चंदन की सूखी लकड़ी महल में मिली ही नहीं। तब रथ दौड़ाए मार्केट में, तो मार्केट से भी रथ लौट आए, नहीं मिली लकड़ी। अब युधिष्ठिर अंदर जाए बाहर आवे, कभी सिर छुए, तब भगवान कृष्ण ने कहा, राजन इसमें पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं, हम कहीं अन्यत्र भिक्षा कर लेंगे। सीधे चले गए कर्ण की महल में। कर्ण ने सादर प्रणाम किया, बोले, भगवान विराजे, सेवा? बोले, केवल भिक्षा, चंदन की सूखी लकड़ी से हम लोग स्वयं पकाते खाते हैं। बोले, भगवान अभी व्यवस्था होती है। और व्यवस्था तो हो गई, चंदन की लकड़ी कर्ण के महल में भी नहीं मिली, उसने भी रथ दौड़ाए मार्केट में, खाली चले आए, उठाया धनुष, मारा तो चौखट गिर पड़ी, फर्नीचर टूट के ढेर लगा दिया, कुर्सी टेबल सब चंदन के ही तो थे, सब फाटक दरवाजा चौखट सब तोड़ के और ढेर लगा दिया। बोले, भगवान कर्ण के शरीर में जब तक प्राण है, श्वास है, तब तक आप निरंतर चंदन की सूखी लकड़ी से भोजन बनाई और पाई। उल्टा सीधा 4 लिट्टी लगाया, खाए पिए और दोनों चले गए संत। शाम को अपने वेशभूषा में जब युधिष्ठिर के पास पहुंचे, तो युधिष्ठिर मुंह के बल उल्टे पड़े हुए थे, आंसू बह रहे थे, आंसुओं से तकिया और बिस्तर भीग गया था। बहुत लोगों ने पूछा, राजन हुआ क्या? कोई उत्तर नहीं। इतने में भगवान कृष्ण पहुंचे, बोले, राजन इतना लंबा पश्चाताप, ऐसी क्या भूल हो गई आपसे? तब युधिष्ठिर बोले, केशव केवल इतना हमें बता दो, हमें याद क्यों नहीं आया? इन महलों में आग क्यों नहीं लग जाती? कर्ण से 100 गुना ज्यादा मेरे पास चंदन के फर्नीचर है, मैं देने में कृपण भी नहीं हूं, किंतु मुझे याद क्यों नहीं आया? उसने उन संतों को भोजन करा दिया, मैं अभागा नहीं करा सका, इन महलों में आग क्यों नहीं लग जाती? केशव ये बताओ, मुझे याद क्यों नहीं आया? तब भगवान बोले, जब 4-6 बार रिपीट किया युधिष्ठिर ने, तब बोले, भैया राजन जिसके जो हृदय में होता है वो समय पर याद आता है, और जो नीति कहती है, राजनीति कहती है, लोकरीत कहती है, राजधर्म कहता है, मर्यादा कहती है, इस तरीके से जो ढकेलुआ धर्म कर्म करते हैं उनको समय पर याद नहीं आता। कर्ण के दान हृदय में बसता है, आप मर्यादा का निर्वाह कर रहे हैं। तब अर्जुन चरणों में गिरा, प्रभु उस दिन का उत्तर आज दिया आपने, इस दृष्टि से तुम वास्तव में कर्ण ही महान है, तो और चीज आप कल पर टालो, लेकिन हरि भक्ति हृदय से होती है, वो कोई बेगारी नहीं, ये फॉर्मेलिटी की वस्तु नहीं, ये आपको अपने घर का रास्ता चल रहे हो आप। प्राप्ति काल में भगवान, प्राप्ति के ठीक दूसरे ही क्षण आप पाओगे अपना धाम, अपना शाश्वत स्वरूप, अपनी
सदा रहने वाली समृद्धि और स्थिति प्राप्त कर लोगे। वो आपकी घर का मार्ग है, स्थानम प्राप्सि शाश्वतम, और उसी कमी की आपूर्ति के लिए ये दुर्लभ मानव तन पीला है, तो नर दुर्लभ नर तन है, तो इसलिए यदि ये नहीं पार लगा तो अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। तो भजन एक ऐसी वस्तु है, हृदय से होना चाहिए, ये हमारी कमाई है और कमाई तो यहीं छूट जाएगी, दोबारे देखने को भी नहीं मिलेगी। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा, प्रभु आपका वैकुंठ सुना सुना, इतने महल अटारी पड़े हैं, रहने वाला कोई नहीं, आपको ऊब नहीं लगती अकेले में? बोले नारद, ऊबा तो हूं, चाहता भी हूं कोई आवे बोले बताने को हो जाए, लेकिन वैकुंठ में कोई आता ही नहीं। नारद ने सोचा, हमें यदि कह देते तो मैं ये वैकुंठ आज भर देता। इतने में भगवान बोले, नारद तू ही हमारी सहायता करो। नारद ने कहा, प्रभु अभी लो, सेवक हाजिर है, आप चिंता न करें, कल भर में मैं फुल कर दूंगा। सीधा जाके कूच पड़ा यहीं बदोही में, शेरवा में, चलिए चलो चलो जल्दी चलो वैकुंठ। बोले, महाराज बिल्कुल तैयार है। तो बोले, फिर उठो। बोले, अब पानी बरसने वाला है, खेती जरा सही कर ले तो चले। जब खेती सही हो गई तो बोले, अब चलो। बोले, जा माड़ काट के घर में तो रख लें, तब चले। इतने में बोले, अब जाड़े का सीजन है, जरा ऊखी का रस पिरवा लें तब चले। इतने में चोला छूट गया। एक सेठ थे, बोले भगवान चलो सेठ वैकुंठ। बोले, महाराज आप ऐसे संत ही ये परमार्थिक वचन कह सकते हैं, इतना बड़ा वादा दे सकते हैं, हम बिल्कुल तैयार। बोले, उठो सेठ। तब बोले, जरा मार्च क्लोजिंग कर ले, ये तो लड़कों की बही खाता उलझ जाएगा। जब क्लोज मार्च बीत गया तो बोले, अब लड़का अमेरिका पढ़ने गया है, 3 महीने में आने वाला, जरा उसको देख ले, उसको चार्ज सौंप दे। फिर नारद पहुँचे तो बोले, अरे महाराज आपके आशीर्वाद से जहाज से उतरते ही 5-7 जगह से दिखवार आ गए, क्या ये सिर का बोझा है, इस ऋण से उऋण हो जाए, पुत्र ऋण से ब्याह कर दें। फिर आए तो बोले, अब चलो सेठ। बोले, लड़के की माई कहत रही कि नाती का आगम है, थोड़ा नाती का मुंह तो देख लें। इतने में सेठ हो गए मर। नारद सोचे, इतना माया भी आखिर गया कहाँ। इतने में लाल के एक कुत्ता उधर से आया, पूंछ हिलाते हुए चूं चूं करके। बोले, अरे सेठ अब कौन सुख भोगत हो, जूठा पत्तल चाटते हो, मारे मारे घूमते हो, कभी पुचकारे जाते हो, कभी डंडा भी लगता है, अब कौन सा सुख, चलो। तो बोले, नारद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तैयार हैं, किंतु ये हमारे लड़के हैं 8 बजे तक सोते हैं, सुबह रात को निर्द्वंद सोते हैं, मैं रात भर जाग के पहरा देता हूँ, जिस दिन मैं पहरा नहीं दूंगा उस दिन ये लूट लिए जाएंगे, तो थोड़े अपना धन वगैरह सार संभाल करने की बुद्धि आ जाए तब चलो। दो एक बार मोहलत मांगा, कुत्ता भी समाप्त। तब नारद जी आए, बोले, अरे यहाँ एक लाल कुत्ता था, वो कहाँ गया? तो लड़कों ने कहा, महाराज कुत्ता क्या था, पिता के समान था, उसके रहते हुए हम लोग निश्चिंत और निर्द्वंद थे, जिस दिन से कुत्ता मर गया उस दिन के बाद तो 4 लाख की चोरी हो गई। अब हम लोगों को रातों नींद नहीं आती, जागना पड़ता है, कपारे पड़ता है तो सहुर भी आ जाते, जितना सुविधा दोगे उतना ही लड़कों में घटाव आता है, शिक्षा नहीं मिलती, और मुसीबत ही शिक्षा की जननी है, परिस्थिति ही शिक्षा की जननी। तो फिर वो तो मर गया, बोले अब कहाँ गया? तो उस समय किसानी बड़ी जोरों पर थी, सेठ की लाइन से 100 हल चल रहे थे, अगली पंक्ति में एक भारी बैल चल रहा था सीना तान के। बोले, अरे सेठ नाक कटा है, कंधा सूज गया है, अब कौन सा सुख भोग रहे हो, चलो।
बोले महाराज ये जितने बैल हैं सब गड़ियार हैं, मैं आगे ताव से खींचता हूँ तो ये भी चाल पकड़ लें, थोड़ा ढंग सीख लें तो लड़कों की खेती ठीक से होने लगे तब चलूँ। दो एक मोहलत मांगा वो भी मर गया। तब नारद ने सोचा इतना ममत्वी आखिर वो गया कहाँ, तो शर्प हो गया था, खटिया के नीचे थोड़ा धन गड़ा था वहाँ कुंडली मार के बैठा था। नारद जी ने सोचा इन मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है। घर वालों से पूछा क्यों तुम्हारे घर में सर्प है क्या, बोले अरे नहीं महाराज, रोज कोने कोने में झाड़ू लगता है, पूछा लगाया जाता है, यहाँ सर्प कहाँ। बोले जरा उस कोने में तो देखो, तो बैठा था फन निकाल के, चिल्ला पड़ी पतोहिया, सब लोग कोई मूसर लेके कोई तराजू का डंडी लेके और दौड़ पड़े और सटा सट पिटाई शुरू कर दिया। बोले अरे बाप रे, ये तो गुरु महाराज की कृपा रही बच गए, छोटा वाला लड़का तो इसी खटिया पे सोया था, इस तक्षक का क्या भरोसा। नारद जी ने कहा खूब मारो, खाली चार उंगल गर्दन और मुंह बचाए रहना। फिर मूसर से कूट के एकदम कचुम्बर निकाल दिया, टांग दिया वहाँ बबूर के पेड़ में। अकेले में नारद पहुँचे, बोले सेठ चलिए हो बैकुंठ। बोले अरे महाराज जल्दी करो, प्राण भी नहीं निकल जा रहा, इन ससुरों के पीछे चार पीढ़ी हम अपना खो दिया, चार जन्म हमने इनके पीछे खो दिया, इनकी भलाई के लिए इन्होंने पलट के हमारी ये स्वागत किया कि एक एक गुड़िया गुड़िया तोड़ दिया, चाहता हूँ प्राण निकल जा, निकल ही नहीं रहा, प्रभु जल्दी ले चल। इसीलिए अंत मति सो गति, भगवान कृष्ण कहते हैं अंत में जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है प्राय उसी योनि को प्राप्त होता है, और जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है मेरे अविनाशी इस परम पद को प्राप्त होता है, जहां से पीछे लौटकर आवागमन में नहीं आता। तब तो बड़ा सस्ता सौदा, जन्म भर करो गटर मस्ती, काला सफेद, मरने लगेंगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे, अभी से क्यों हम जब मरते समय याद करेंगे वही होना है, तो अभी से हम क्यों परेशान हो। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन प्राय वही चिंतवन कंठ पर आकर बैठ जाता है जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया है, मरते समय स्मृति भ्रमित रहती है, बुद्धि विकल रहती है, कर कहां से लोगे, जिस बुद्धि जिस स्मृति से करना था वो यंत्र बिगड़ चुके हैं, नवीन कहां से कर लोगे, कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। इसलिए प्राय वही चिंतवन कंठ पर आकर बैठ जाता है जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया है। इसलिए अर्जुन तू आज ही से अब ही से निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध कर, तू मुझ में निवास करोगे। भला निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे, अगले ही श्लोक में बताया अर्जुन सबसे चित्त को हटाकर एकांत देश का सेवन करते हुए गीतोक्त तो योग विधि को समझकर हृदय में धारण करके मन को सब ओर से समेट कर मुझ में लगा, शिवाय मेरे अन्य किसी विषय वस्तु का न स्मरण करते हुए निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर, एकांत देश का सेवन ले, हमें छोड़कर कोई है भी नहीं, पता नहीं हम झगड़ा किससे करेंगे, कैसा है ये युद्ध जब शांत एकांत में कमरे में बैठ के आप चिंतन में लगते हो, तो उस वक्त माइक प्रवृत्ति प्रत्यक्ष ही है, जो अधूरे काम है उनकी लहरें उठने लगती है, जन्मांतरों के संस्कारों की जैसी रीरे वैसे वैसे उद्वेग पैदा होने लगते हैं, काम क्रोध मोह लोभ की लहर आने लगती है, इन माइक प्रवृत्तियों का पार पाना युद्ध है, जो एकांत शांत चिंतन में ही संभव है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, प्रकृति और पुरुष के बीच में जो दरार पड़ी उसका युद्ध है, एक बार विजय मिल गई शाश्वत विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है, सदा रहने वाली शांति और समृद्धि है। तो मरते समय स्मृति भ्रमित बुद्धि विकल हम कर नहीं सकते, जिस बुद्धि से हमें निर्णय लेना था वो तो समान विकल हो गई, वो तो विकृत हो गई, कर कहाँ से लोगे,
इसलिए पुरुष को चाहिए कि दुर्लभ मानव तन मिला है, आज ही से, अब ही से, कल तो कभी आता ही नहीं, कदाचित कल आ गया तो आज क्या लाएगा। आज ही से अर्जुन निरंतर चिंतन कर, युद्ध कर, खाना खाते, शौच जाते, पानी पीते, उठते बैठते, सोते जागते, नाम, प्रभु का नाम श्रद्धा और समर्पण के साथ याद आया करे। सोने में सुहागा है, सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय अवश्य देना चाहिए। पूर्वजों ने बहुत नियम रखे, त्रिकाल संध्या, कहीं कहीं महापुरुषों ने 5 टाइम संध्या इबादत, लेकिन महापुरुषों ने रखी है निरंतर पूजा। तो जागत में सुमिरन करे, शोवत में लोलाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। निरंतर पूजा, ईश्वर के भजन के लिए कोई जगह अपवित्र होती ही नहीं। फूल बिछा लो, सारे भदोई का अतर छिड़क लो, फिर बैठो, जगह वास्तव में अपवित्र है, आप दुर्गंध में बैठे हैं, किंतु श्रद्धा से हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण करके यदि आप नाम जपते हैं तो शौच जाते, पानी पीते, खाना खाते, खुरपी चलाते, शुभ करो चाहे अशुभ, जब तक जागते हो याद बनी रहे, नाम याद आया करे, एक परमात्मा में श्रद्धा के साथ याद आया करे, आप भजन को न जानते भी भली प्रकार भजन की पथ पर हैं।